ही कम उम्र में हार्ट अटैक की वजह से अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है। बिग बॉस के दौरान काफी पॉपुलर हुए और इस शो को भी उन्होंने जीता। जाने माने टीवी अभिनेता, कई सीरियल्स में उन्होंने काम किया। मुंबई के कूपर अस्पताल में उनका निधन हो गया है। तो बिग बॉस के विनर होने के साथ साथ कई बड़े उन्होंने सीरियल्स में काम किए, फिल्मों में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया। सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक हो गया है। अभी पिछले कुछ महीनों में काफी पॉपुलर हुए बिग बॉस के बाद। कई एल्बम उनके आए, कई गाने आए, काफी पॉपुलर इस बात को लेकर भी रहे कि जितने भी सीरियल्स में उन्होंने काम किया वो सभी काफी मशहूर हुए। 40 साल के थे अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, जिनका निधन हो गया है। कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं और अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। कूपर अस्पताल में मुंबई के उनका निधन हुआ। जाने माने टीवी अभिनेता, काफी समय से वो सीरियल्स में एक्टिव रहे, कई बड़े सीरियल्स में काम कर चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। बिग बॉस के बाद एक अलग छवि लोगों ने उनकी देखी। उनके जो चाहने वाले थे उनको एक अलग तौर पर उन्हें देखने लगे। निजी तौर पर सिद्धार्थ शुक्ला कैसे थे बिग बॉस में आने के बाद लोगों ने ये जाना, और उसके बाद से सिद्धार्थ शुक्ला और भी ज्यादा फेमस हुए। अपनी पर्सनालिटी को लेकर वो जाने जाते थे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई ऐसे सीरियल्स जिसमें उन्होंने काम किया वो बेहद फेमस रहे। 40 साल के अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है, बेहद दुखद खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मुंबई के कूपर अस्पताल में निधन हुआ है सिद्धार्थ शुक्ला का। बता दें आपको कि बिग बॉस के विनर रह चुके हैं और टीवी एक्टर होने के नाते जितने भी सीरियल्स में उन्होंने काम किया वो बेहद फेमस रहे। और आज का दिन न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि जिन छोटे पर्दों पर भी उन्होंने काम किया उन तमाम सहयोगियों के लिए बेहद दुखद दिन है। जाने माने टीवी अभिनेता, टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है। और 40 साल के सिर्फ अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में वो भर्ती थे और बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। हालांकि क्या कोई पहले से उन्हें बीमारी थी, कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी उससे साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल बेहद दुखद खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 40 साल के अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो चुका है। एक्टर अनंत महादेवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत, ये बहुत मुश्किल वक्त है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या सवाल पूछूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कोई ऐसी याद सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी हुई जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें इस वक्त। अचानक हमारे बीच से निकल जाते हैं और ये शायद हमारे लिए एक वार्निंग है कि किसी भी अनफॉरसीन हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम पहले से ही थोड़ा सा ये ध्यान में रखें। सिद्धार्थ के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी। सिद्धार्थ को हमने अक्सर टू में, जब मैं अक्सर टू बना रहा था दो साल पहले, तो सिद्धार्थ मैं कास्ट करना चाहता था मेन नेगेटिव एंटेगनिस्ट के रोल में, लेकिन उस वक्त वो कुछ और प्रोजेक्ट्स के साथ बिजी हो गए, वरना हम शायद अक्सर में वो मेन एंटेगनिस्ट करता वो। लेकिन उसके बाद भी वो इन टच रहे, हमेशा हंसमुख रहे और बहुत सारे अचीवमेंट्स भी उन्होंने हासिल की। लेकिन ये एक वाकई, एक जिस तरीके से एक यंगस्टर को हार्ट अटैक होता है, ये शायद हमारे हम सब के लिए एक बहुत बड़ा ये वार्निंग है कि हम अपने हेल्थ को जरा, अगर हम ऐसा लगता भी है जैसे वो बहुत ही मस्कुलर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही फिजिकली फिट लगते थे, तब भी कुछ हो सकता है। तो मैं आई एम रियली रियली सॉरी एंड वी विल ऑल मॉर्न सिद्धार्थ, वी विल ऑल रिमेंबर सिद्धार्थ fondly and this is really a sad moment for the performing arts. बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। तो बिग बॉस के विनर रह चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला, 40 साल के उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है।